यहां पर चुनाव के बीच नक्सलियों ने फायरिंग कर दी और भाजपा कार्यकर्ता को गोली लगी है। कार्यकर्ता को उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। मतदान केंद्र के पास नक्सलियों ने फायरिंग कर दी और पखांजूर के उलिया में नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा में तैनात जवानों को देखकर भागे नक्सली और कल भी नक्सलियों ने किया था IED विस्फोट। बांदे थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पखांजूर के उलिया में नक्सलियों द्वारा फायरिंग की गई है। तो नक्सली अलग अलग जगहों पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार तैनात थे और नक्सलियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नक्सलियों ने कल भी IED का ब्लास्ट किया था। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। बांदे थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांकेर से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर चुनाव के बीच नक्सली यहां पर गोलीबारी करते हुए सामने आए हैं। कई जगहों पर गोली चलने की बात सामने आई है और कांकेर में एक भाजपा के कार्यकर्ता को गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांकेर में भाजपा के कार्यकर्ता को गोली लगी। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता को गोली लगने की बात सामने आई है और कांकेर में मतदान आज हो रहा है, लेकिन नक्सलियों की ओर से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। कई जगहों पर मतदाताओं को रोकने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी तरीके से यहां पर स्थितियों पर काबू पाया हुआ है, स्थितियों को संभाला हुआ है, लेकिन कई जगहों पर गोली चलने की बात भी सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मिंटू जुड़ चुके हैं। मिंटू का रुख करेंगे। मिंटू, बताया जा रहा है कि नक्सलियों की ओर से गोली चलाई गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास, और एक कार्यकर्ता को गोली लगने की भी बात सामने आई। जी, आपको बताना चाहूंगा, जब ये चुनाव का जो दुनिया के पास आ रहा था उससे पहले जो है नक्सलियों द्वारा जो लगातार जो है चुनाव बहिष्कार की बात कह रहे थे और कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो अंदरूनी क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, वहां पे काफी मात्रा में चुनावी नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके जा रहे थे, बैनर लगाए जा रहे थे और साफ तौर पे उसमें जो है चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही थी। कुछ कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पे बताया जा रहा था कि कांग्रेस भगाओ और भाजपा भगाओ, ऐसे नारों के साथ भी वहां पे लिखा गया था। अगर हम आज की परिस्थिति की बात करें तो आज ही के दिन जो है जो कांकेर के पखांजू क्षेत्र है वहां पे नक्सलियों के बीच और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, क्योंकि ये जो एक मतदान केंद्र है जो कि बांदे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पे जब एक व्यक्ति वहां पे वोट के लिए जा रहे थे तब वहां पे नक्सलियों द्वारा हमला कर दिया गया और उनकी गोलीबारी में उनको गोली लगी। बाद में पता चला जिनको गोली लगी वो भाजपा कार्यकर्ता है। सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए थे जिसको देखते हुए करारी जवाब जो है BSF जवान और जो पुलिस जवान तैनात थे बस्तर फाइटर के, उन्होंने जो उनके विरुद्ध कार्रवाई की, उनके विरुद्ध जब गोलीबारी की तो वो भाग खड़े हुए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है, अलग अलग जगहों पर नक्सलियों को खदेड़ने का काम भी कर रहे हैं। और मिंटू देखिए, हमने सुबह से ही देखा कि कई जगहों पर ये गोली चलाते हुए नजर आए। इसके पहले भी कई जगहों पर इनकी ओर से गोलियां चली थी जहां पर सुरक्षा बलों ने इनका मुकाबला किया और इनको खदेड़ा है। फिलहाल क्या ऐसी खबरें सामने आ रही जहां पर ये मतदान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहिष्कार की बात उन्होंने कई जगह पर की थी। जी देखिए, बताना चाहूंगा बस्तर में पूरा जो BSF जवान है उसको पूरा टापू में तब्दील कर दिया। सुरक्षा के किसी प्रकार के यहाँ पे कोई कटाई नहीं बरती जा रही, कोई त्रुटि नहीं आ रही, क्योंकि एक एक पोलिंग बूथ से जो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है वहां 10 से 15 जवान तैनात कर दिए गए। जो नॉर्मल पोलिंग बूथ है जिसमें नक्सली गतिविधि कम है वहां पे भी कम से कम 4 पुलिस जो पुलिस जवान है तैनात किया गया। कहीं ना कहीं भारी संख्या में जितने भी पुलिस बूथ है जो भी मतदान हो रहा है वहां पे पुलिस से लेके BSF जवान जो कमान अपना समाने हुए है, पूरी हथियार के साथ वहां पे डटे हुए खड़े हुए ताकि चुनाव में किसी प्रकार को कोई परेशानी ना हो और जो जनता है लोकतंत्र के इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाए। और जिसको देखते हुए जो तमाम जो नक्सली घबराए हुए कहीं ना कहीं वो लगातार जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव में हमारी मौजूदगी को दर्ज करें और हम शायद तक इनको रोकने में कामयाब हो। इसीलिए नक्सली जो है लगातार जो है गोलीबारी कर रहे हैं, IED विस्फोट कर रहे हैं और पर्चा गिरा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर नक्सलियों की ओर से कई जगहों पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल जिस कार्यकर्ता को गोली लगी तो उसकी स्थिति कैसी है, क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई और क्या जो स्थितियां हैं वो सामान्य रूप से लौट चुकी है वापस, क्या सामान्य कर ली गई है? जी देखिये, अभी करीब 3 बजने ही वाला है। अभी के टाइम में जो है मतदान का जो
चुनाव का समय वो खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ पे विस्फोट हुआ था वहां भी समय सीमा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अभी जो जिस मत केंद्र की बात कर रहे हैं, जिस मत केंद्र में फायरिंग हुआ वहां पे गोली गई, उसका भी थोड़ा समय सीमा बढ़ाया गया। बाकी जो जितने दूसरे जो मतदान केंद्र है वहां पे समय सीमा जो 3 बजे रखा गया, जो भी यहाँ मत करने आ रहे हैं जो बाउंड्री के अंदर जो मतदान केंद्र है उनके अंदर अगर प्रवेश कर जाते हैं तो वह 4 बजे 5 बजे तक वो अपना मत कर सकते हैं, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर रहकर वो अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो कांकेर जिले में कुल 3 विधानसभा है जिसमें अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर है। जो पूरे बस्तर में जो 20 विधानसभा सीट हो रही है उसमें सबसे ज्यादा अंतागढ़ विधानसभा में जो वोटिंग हुई है जिसकी अभी तक के 2 बजे की जो परसेंटेज थी वो 55% से अधिक बताई जा रही थी और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 75% तक होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है और चुनाव के बीच नक्सलियों की फायरिंग की अलग अलग जगहों से खबर सामने आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका मिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास अंबोरी हमारे साथ में कांकेर से जुड़ चुके हैं, विकास का रुख करेंगे। विकास, कांकेर में ये खबर सामने आई कि किस तरीके से नक्सलियों की ओर से फायरिंग की जा रही है, क्या स्थितियां हैं फिलहाल, क्या इन नक्सलियों को खदेड़ पाई है सुरक्षा बल की पुलिस, जो पुलिस है वो कितनी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुंची थी? अलग अलग जगहों से हमने खबरें देखी कि इनकी ओर से फायरिंग की जा रही है, सुबह से ही ऐसी सामने आ रही थी, फिलहाल क्या हालात हैं? कि देखिए नक्सली मूवमेंट अभी फिलहाल हुआ है, मतदान अभी जस्ट खत्म ही हो चुका है, 3 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन इस बीच में खबर निकल के सामने आ रही है जहां पे नक्सलियों का जो हमला है वो हुआ है और यहां पे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है, एक AK-47 भी वहां मिला हुआ है। कई जो नक्सली मूवमेंट और नक्सली के घायल होने की भी जो है पुख्ता जानकारी जो है अधिकारी दे रहे हैं पुलिस विभाग के, तो अभी भी वहां पे जो अंदरूनी इलाके में जो बांधे क्षेत्र है वहां पे अभी भी सर्चिंग जारी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी भी देखिए यहाँ पर पुलिस बल जो है वो हालातों को सामान्य करने में लगे हुए हैं, लेकिन विकास ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कई जगहों पर फायरिंग की खबरें आई जिन्होंने कहीं ना कहीं मतदाताओं को डराया था, क्या मतदाता अभी भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि 3 बजे तक जहां पर वोटिंग होनी थी वहां तो समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन जहां पर 8 से 5 जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है क्या वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं मतदाता केंद्रों पर? जी गरिमा, आपको मैं बता दूं कि 10 सीटों पे जो मतदान होने हैं वहां 8 बजे से 3 बजे तक का समय दिया गया है और जो बाकी 10 बजे के जो 10 सीटों में जो मतदान होने हैं वो उनका जो समय है 8 बजे से 5 बजे तक का है। और बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में 3 बजे से लेकर मतदान जो है खत्म हो चुका है और इसी बीच में जो खबर जो आ रही है कि नक्सलियों की मूवमेंट बांदे क्षेत्र में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है और नक्सलियों के जो मुठभेड़ होते हैं उस तरीके से भी अब देख रहे हैं कि वहां पे जो नक्सली पर्चे फेंके आज ही और कल भी वहां पे नक्सली मूवमेंट देखा गया, पाइप होल लगाया गया था और कहीं ना कहीं जो मतदान है उसको लेकर भी कहीं मतदान को कैसे मतदान में दखलअंदाजी दिया जा सके, लोगों को कहा जा रहा था कि कभी भी जो मतदान है उसको बहिष्कार करे, चुनाव का बहिष्कार करे, हमको चुनाव नहीं चाहिए, ऐसा नक्सलियों का कहना है। लेकिन फिर भी जो मतदाता है वो अपने केंद्रों में पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए और जो मतदान है वो कर रहे हैं। जी गरिमा।